आपको पता है टाइम कितना हो रहा है, लगभग 3:45 हो रहे हैं रात के। तो दोस्तों अभी जो है मेरे को रात में ही ब्लॉग बनाने के लिए जाना है, लेकिन अपने दो दोस्तों को मैंने रात बोला था तो वो रेडी थे कि भाई हम भी चलेंगे, तो अभी मैंने उनको कॉल करनी है। अगर उन्होंने कॉल रिसीव कर ली और जाने के लिए रेडी हो गए तो उसके बाद मैं अभी ब्लॉग बनाने के लिए जाऊंगा, अगर रेडी नहीं हुए तो भाई नमाज पढ़ के उल्टा वापसी सो जाऊंगा। तो दोस्तों यार फिर मैं मिलता हूँ, अगर वो मेरे साथ जाने के लिए रेडी हो गए तो फिर मैं आपको ब्लॉग में जरूर मिलूंगा थोड़ी देर बाद, अगर नहीं हुए रेडी तो भाई मैं नमाज पढ़ के सो जाऊंगा तो फिर ये ब्लॉग भी नहीं आएगी। तो दोस्तों जहाँ से भी ज्यादा जिस पर भरोसा किया उसी ने धोखा दिया। हमने तीन दोस्तों को साथ में मिलकर जो है आज मतलब ब्लॉग बनाने के लिए जाना था, मैंने आपको बताया भी था वीडियो में, लेकिन दोस्तों एक तो गायब हो गया, एक बेचारा मेरा आया है साथ में, उसको मैंने उठते के साथ ही कॉल तो किया था, तो उसने मेरे से बोला ठीक है चलो चलो। तो भाई मैंने कहा भाई ठीक है आप भी रेडी हो जाओगे और उसके बाद जो है मैं भी रेडी होकर नमाज पढ़ के उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा तो आप उठा ही लोगे, लेकिन भाई बंदा जो है गायब। अब भाई फोन ही उठा रहा, कई कॉल कर लिए हैं, बंदे गायब हो गया हमारा। तो दोस्तों हमेशा हर इंसान के पास लगभग दो ऑप्शन होते हैं, तो दोस्तों एक ऑप्शन हमारे पास हमारे दोस्त का था, तो वो तो ऐसे लगे कि जैसे घोड़े बेचकर हमारा दोस्त सो गया है, लेकिन अब देखो जाना तो था क्योंकि अब यहाँ तक आ गए तो ऐसा तो नहीं है वापसी जाकर सो जाए। तो आइए फिर चलते हैं यार दोस्तों, हमने जहाँ जाना है वहाँ का आपको माहौल दिखाते हैं और वहाँ पर क्या कुछ है वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ अल्लाह की रहमत से कि आप भी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों जहाँ गया भूखा वहाँ पड़ गया सूखा। हम यहाँ पर आए हैं तो भाई यहाँ पर भी जो है पुलिस वालों ने इलेक्शन की वजह से यहाँ से समोसों की दुकान है टोटल उठवा दी है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो ये पीछे जो पटरी है ना ये वाली, इस पटरी पे जो ना भाई पूरे पे समोसों वाले की दुकानें लगती थी और यहाँ पर 3 के आसपास ही बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी, लेकिन आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो एक दो दुकानें खुली हुई हैं, तो आइए यार चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ कौन कौन सी वैरायटियों के समोसे मिलते हैं। उसी दुकान पे से हम जो है भाई समोसे खरीद कर और खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं यहाँ पर समोसे कैसे मिलते हैं, क्यों इतने लोग जो है दीवाने हैं रात में यहाँ पर आते हैं भाई समोसे खाने। तो आइए चलिए यार फिर हम भी आपको दिखाते हैं। मलाई चाप है, तंदूरी चाप है भाई, और तंदूरी पनीर और तंदूरी चाप है ना भाई, है चार है, चारों लगा दो। दोस्तों ये देखें आप, समोसे तो गर्म हो चुके हैं, ये समोसों के नाम है भाई मलाई चाप, तंदूरी पनीर और मलाई पनीर, चार हमारे हैं, एक किसी दूसरे ग्राहक के हैं। तो अभी समोसे गर्म तो हो चुके हैं, अब इनसे लगवाते हैं। दरअसल क्या है दोस्तों, पुलिस वालों के डर से बार बार ये कभी लगाते हैं कभी लगाना छोड़ देते हैं, वही सिस्टम चल रहा है, तो अब लगाएंगे ये। तो आखिरकार वो घड़ी आई गई है जिस घड़ी में हमारे समोसे लगने थे, तो समोसे हमारे लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो आइए चलिए फिर इनको यार आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये समोसे हैं भाई, मलाई चाप, तंदूरी पनीर और भाई एक है तंदूरी पनीर। अब भाई कौन सा कौन है ये समझ नहीं आ रहा हमें, ये देखो इसमें कुछ इस तरह का होता है, इसीलिए लोग इसके दीवाने हैं। और दूसरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें देखो कुछ इस तरह का है, ठीक है। और भाई एक और है जो भाई ये है, अरे यार ये फट भी नहीं रहा, गलत फट गया, ये है भाई कुछ इसमें इस तरह का होता है। और उसके बाद जो है आप जब एक और देखेंगे तो भाई कुछ इसमें इस तरह का होता है। तो ये चार वैरायटी है हमारे पास, मलाई चाप, तंदूरी पनीर और तंदूरी चाप। तो दोस्तों यार फिर इनका जरा टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। तो दोस्तों ये जो समोसा है ये है मलाई पनीर समोसा, तो भाई इसको एक बार जो मैं ट्राई करके और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई टेस्ट अच्छा है। दरअसल होता क्या है भाई, जैसे हम आलू वाले समोसे खाते हैं ना, तो भाई वैसे ही इसमें सिस्टम क्या है, जो हम मलाई पनीर कढ़ाई चाप जो हम बाहर मतलब ढाबों पर खाते हैं सब्जी के साथ, तो वही चीज़ें इसमें क्या करते हैं इसी के समोसे के अंदर भर के जो है इसको तल देते हैं। उसके बाद भाई इन समोसे के नाम चेंज हो जाते हैं, मलाई पनीर, कढ़ाई पनीर, तंदूरी पनीर, मैगरोनी, उसी हिसाब से भाई और कुछ भी नहीं है इसमें, तो बाहर की चीज़ जो है इसमें डाल के मतलब जो तंदूरी मलाई चाप वो सब चीज़ें डाल के इसको जब तलते हैं तो इसी वजह से इसका समोसे का नाम चेंज हो जाता है। मैंने कभी नहीं खाए थे भाई, एक बार मैं पीछे आया था तब मैंने खाए थे, मेरे को बड़े अच्छे लगे। और रात में यहाँ लोग जो है भाई बहुत ज़्यादा खाने भी आते हैं। अभी क्या है यहाँ पर पब्लिक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इलेक्शन की वजह से पुलिस वालों ने जो है यहाँ से दुकानें उठवा दी हैं, तो इसी वजह से भाई यहाँ पर पब्लिक नहीं है ना। तो अभी आप देखते ना इस टाइम भाई यहाँ पर दबा के भीड़ होती है। तो दोस्तों यार फिर चलते हैं, इनको जो है हम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों समोसे तो हमने खा लिए हैं, और दोस्तों यहाँ के समोसे की मैं टेस्ट की बात करूँ तो दोस्तों टेस्ट यहाँ के समोसों का लाजवाब होता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी इलेक्शन की वजह से आपको जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर दुकान है अभी टोटल बंद है। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो 25 तारीख के बाद इलेक्शन जब हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर आना, आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह भीड़ होती है। और रात में भाई यहाँ 3:30 के बाद ही भीड़ रहती है और सुबह 6 या 7 के आसपास तक
यहाँ पर समोसे मिलते हैं, पूरा दिन यहाँ पर नहीं मिलते क्योंकि ये जिन पटरियों पर लगाते हैं तो यहाँ पर सुबह को ये पटरियाँ पूरी खाली हो जाती है। तो ये रात ही रात का यहाँ का मेला है समोसा का, और दिन का नहीं है। और लोग इनके इतने दीवाने हैं आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप रात में आएंगे 25 तारीख के बाद तो आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से भीड़ होती है। अगर दोस्तों मैं इसके एड्रेस की बात करूँ तो इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है तिलक नगर, गेट नंबर 1 के आसपास ही मिलता है। आप जैसे मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आप किसी से पूछेंगे तो आपको कोई भी बता देगा। वैसे ये समोसे मिलते उस टाइम है कि उस टाइम मेट्रो भी नहीं चलती, तो जाहिर सी बात आपको बाइक या फिर स्कूटी से ही आना पड़ेगा। तो आप तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास किसी से पूछेंगे तो कोई भी आपको बता देगा। यहाँ के जो समोसों का एक समोसे का प्राइस रहता है भाई वो 40 रुपये रहता है। आप भी यहाँ के समोसे खाना चाहते हैं तो जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो भाई एक समोसा एक आदमी के लिए लिए भाई, ज्यादा ना ले क्योंकि हमने 4 लिए थे भाई, आप यकीन नहीं करेंगे उनको खाना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो दोस्तों यार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर, रातों को निकल रहे भाई आपको पता है। तो फिर यार फिर मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।